जो पत्र होते हैं वो गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ शिकायत पर माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा था। वो ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग से मंतव्य के लिए भेजा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से भी और हेमंत जी से भी कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहता है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो ऑफिशियल लेटर हेड उस पर चुनाव आयोग को अपनी बातें कही। कल एक भाजपा के माननीय सांसद जिनको हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक उद्दंडता उनकी पहचान, अब तो वो ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने दो पत्र ट्विटर के जरिए जारी किया जो चुनाव आयोग को प्रेषित था। एक पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का फुल सिग्नेचर था और एक पत्र में उनका इनिशियल सिग्नेचर था। ये चुनाव आयोग को प्रतिलिपि पत्र है, ये किसी सांसद को प्रतिलिपि नहीं दिया गया। वो दोनों पत्र बाहर कैसे आ गए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। अब चुनाव आयोग भी यदि गोपनीयता नहीं संभाल पा रही है, उनको जो प्रेषित पत्र जाते हैं वो भी ये सांसद के हाथ में पहुंच जाता है, तो ये संयोग नहीं है, इसको संयोग नहीं मान सकते। हम लोग मान सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष कब्जा है। पिछले दिनों हम लोग राजभवन गए थे, माननीय राज्यपाल जी ने कहा था कि मैं दो दिन के अंदर, जिसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास भी आया था, कि अति शीघ्र हम अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेज देंगे। लेकिन हमको लगता है कि अब उस कम्युनिकेशन का लगभग आज पांचवा दिन और अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, यह हमारे जानकारी में नहीं। तो ये बात तो सांसद को बताना चाहिए और वो पत्र जारी होना चाहिए जो चुनाव आयोग ने राज्यपाल को लिखा है कि उस पत्र का मजमून क्या है, या राजभवन ने जो कम्युनिकेशन किया होगा उसको भी जारी कर देना चाहिए। क्योंकि अब तो लगता है चुनाव आयोग अपना हर काम गोड्डा के सांसद से पूछ के करते हैं,
ये कौन सा भद्दा मजाक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।